हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पर, और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं उन सभी सब्जियों के बारे में जिनको कि हम सितंबर के मंथ में सीड से ग्रो कर सकते हैं। पर उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद जो बेल का आइकन आता है उसको प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी कभी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास इस मंथ में सब्जियों को बीज से ग्रो करने के लिए। कैबेज, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में भी हमें कई सारी कलर में वैरायटी मिल जाएंगी। पत्ता गोभी जो नॉर्मल लाइट ग्रीन कलर की आती है, उसके अलावा वॉयलेट कलर के अंदर या रेड कलर के अंदर भी हम पत्ता गोभी को ग्रो कर सकते हैं। कैरेट या गाजर, इसमें भी हमें काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। या रेगुलर रेड कलर तो ज़्यादातर सबको पता ही होता है, उसके अलावा भी हम ऑरेंज कलर की गाजर ग्रो कर सकते हैं, ब्लैक या डार्क पर्पल कलर की गाजर को भी ग्रो कर सकते हैं। नॉल नॉल, इसको हिंदी में गांठ गोभी भी कहते हैं, इसमें भी दो दो तरह के कलर हमको मिल जाएंगे। टर्निप, शलगम इसको बोलते हैं, ये भी हम अगस्त से लगाना शुरू कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एक कलर वैरायटी आपको मिल जाएंगी, जो रेगुलर शलगम आती है वाइट और रेड कलर की, वो ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा येलो कलर में भी आती है, वो भी ग्रो कर सकते हैं। मेथी, टमेटो या टमाटर, टमाटर के अंदर काफ़ी सारे कलर्स और वैरायटीज़ अभी हैं जो कि आप ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली रेड कलर का जो ज़्यादातर हम सब लोग जिसको जानते हैं, वो तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको टमाटर पीले कलर में भी अवेलेबल है, और ब्लैक कलर में भी आपको ब्लैक कलर का टमाटो भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी टमाटो भी ग्रो कर सकते हैं, चेरी टमाटो भी अगेन दो कलर में आता है, लाल और पीले कलर में। लेटिस, लेटिस नॉर्मली सलाद के रूप में यूज़ किया जाता है। मटर, मटर को हम मिड सितंबर के बाद ही ग्रो करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉर्न, मक्का, इसको काफ़ी नामों से जाना जाता है, मेज, कॉर्न, मक्का, भुट्टा, इसमें भी आपको कुछ एक वैरायटीज़ और मिल जाएंगी। जैसे आप बेबी कॉर्न कर सकते हैं, नॉर्मल जो भुट्टा हम लोग जो नॉर्मल भुट्टा होता है उसको ग्रो कर सकते हैं, या मल्टी कलर कॉर्न भी हम ग्रो कर सकते हैं। आलू, ब्रोकली, पालक, रेडिश, मूली, इसमें भी बिल्कुल कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस आपको मिक्स में मिल जाएंगे। वाइट कलर की मूली तो ज़्यादा सबको पता ही होती है, और उसके अलावा भी हाफ रेड, हाफ वाइट, हाफ ग्रीन, हाफ वाइट कलर, इस तरह करके भी आपको मूली के बीज आपको मिल जाएंगे। लहसुन, पार्सले, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च, को हम अगस्त से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त टू सितंबर इसको ग्रो किया जा सकता है सीड से। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हमें मिलते हैं, ग्रीन कलर की शिमला मिर्च, रेड कलर की, ऑरेंज, येलो और पर्पल कलर की शिमला मिर्च, और इवन वाइट वाइट कलर की भी शिमला मिर्च आती है, उसके सीड्स भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फूल गोभी भी इस महीने में ग्रो की जा सकती है। फूल गोभी अर्ली वाली या मिड वाली, जो कि अक्टूबर नवंबर तक जिसका फूल तैयार हो जाएगा, वो वाली हम लगा सकते हैं। कॉलीफ्लावर में भी एक दो कलर हैं, कलर इसमें भी मिल जाते हैं, ग्रीन कलर की कॉलीफ्लावर मिल जाती है, पर्पल कलर की कॉलीफ्लावर आपको मिल जाएगी ग्रो करने के लिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि आप कहाँ से ये सभी सीड्स बहुत ही कम प्राइस में खरीद सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी उसका लिंक आ रहा होगा। आई होप आपने ज़रूर मेरा ये वीडियो एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज़ उसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।